अमेरिकी दूतावास पर हमले का बदला अमेरिका ने बगदाद हवाई अड्डे पर एयर स्ट्राइक के जरिए लिया है। अमेरिका ने बगदाद हवाई अड्डे पर एयर स्ट्राइक किया, जिसमें ईरान की कुर्द फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए हैं। इस ऑपरेशन में कताइब हिजबुल्लाह के कमांडर अबू महदी अल मुहादीस के भी मारे जाने की खबर है। साथ ही अन्य 7 लोगों की भी मौत हुई है। शुक्रवार को यह हमला उस वक्त हुआ है जब सुलेमानी का काफिला बगदाद एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। विमान से उतरने के बाद सुलेमानी अभी मुहादीस से मिल ही रहे थे कि अमेरिकी मिसाइल आकर गिरी, जिसमें सभी लोग मौके पर ही मारे गए। अमेरिकी एयर स्ट्राइक से दोनों देशों के विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ईरान सुलेमानी की हत्या का बदला लेगा। ईरानी रक्षा मंत्री आमिर हतामी ने कहा है, इस हत्या के लिए जो भी जिम्मेदार है हम उसे बदला लेंगे। वहीं ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि ईरान और इस क्षेत्र में दूसरे मुल्क क्रिमिनल अमेरिका से जरूर बदला लेंगे। पीएमएफ ने भी हमले के पीछे अमेरिका का ही हाथ बताया है। उधर अमेरिका ने भी हमले की जिम्मेदारी ले ली है। अमेरिकी रक्षा विभाग की तरफ से बयान में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देश पर विदेश में रह रहे अमेरिकी सैन्य कर्मियों की रक्षा के लिए कासिम सुलेमानी को मारने का कदम उठाया गया है। अमेरिका उन्हें आतंकवादी घोषित कर रखा था। बता दें कि कुछ दिन पहले ही ईरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ था। इसके लिए अमेरिका ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया था और आज बगदाद एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक कर अमेरिका ने बदला ले लिया है। टीम खबर अपडेट।